हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी पॉइंट पे कितना वैल्यू होगा पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वो हमने आज डिटरमिन करना है। डायपोल मीन्स इट इज जस्ट अ पेयर ऑफ टू चार्जेस, इट इज जस्ट अ पेयर ऑफ चार्जेस लाइक माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, जिसे डायपोल का लेंथ भी कहा जाता है। 2a इज नोन एज द लेंथ ऑफ द डायपोल। सो वी हैव टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। सो दिस इज अ डायग्राम हियर, लाइक जो पॉइंट पी है वो प्लस क्यू से आर टू के डिस्टेंस पे है और जो पॉइंट पी है वो माइनस क्यू से आर वन के डिस्टेंस पे है और डायपोल के सेंटर से वो पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है। ओके, और डायपोल का जो लाइक लेंथ होता है वो 2a रहता है और सेंटर से ए इस तरफ, सेंटर से ए इस तरफ। तो हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द पोटेंशियल V1, मैं V1 से डिनोट कर रहा हूँ। V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी, जो कि आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4πε0R1, बिकॉज चार्ज इज माइनस क्यू, डिस्टेंस इज आर। सिमिलरली मैं V2 नाम दे रहा हूँ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी पे, वो आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0R। सो आई हैव टू इक्वेशंस हियर, टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू डिफरेंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव। सो एक आ गया माइनस क्यू अपॉन 4πε0R1, दूसरा आ गया क्यू अपॉन 4πε0R2। दीज आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट दे आर डिफरेंट इन साइज। और जो नेट पोटेंशियल बनेगा, फिर जो नेट पोटेंशियल बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा V1 प्लस V2, सो इट इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0R1 प्लस क्यू अपॉन 4πε0R2। और मैं यहाँ पर q अपॉन 4πε0 को कॉमन ले लूंगा। ओके, और अंदर मेरे पास बचेगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। इट वॉज नेगेटिव तो मैंने R2 से इसको माइनस कर दिया। सो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्जेस माइनस q एंड प्लस q, और मीन्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, q अपॉन 4πε0 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे इसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए, R2 और R1 की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए वी विल डू सम मैथमेटिक्स। किस तरह से करेंगे आपने फिगर को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करनी है। ये हमारा ये डायग्राम था इस फिगर का। ओके, और हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बैक प्रोड्यूस करेंगे और ये यहाँ से ऐसे ले आएंगे। ओके, और साथ ही साथ में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये डायपोल का सेंटर था O, ये पॉइंट P है, ये इस पॉइंट को मान लीजिए जहाँ माइनस क्यू है उसे मैं A मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ। ओके, और ये हो गया, इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ और जहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसे मैं C कंसिडर कर लेता हूँ। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो मैं, ओके जस्ट वन मिनट, इस पॉइंट को मैं कुछ D नाम दे देता हूँ। अब इसकी जरूरत नहीं हमें पड़ेगी, हमें जस्ट ऊपर वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो बट ये इस तरह से आप इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, दिस एंगल इज लाइक थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। एंड ये आपने बी से सी, इट इज लाइक अ परपेंडिकुलर, जो पॉइंट आपने जहां पर बनाया है इट इज लाइक सी पॉइंट। अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे, सो ओ इज द सेंटर, सो दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द पॉइंट पी। तो ये जो ओपी है, ये जो ओपी है, आई कैन राइट दिस ओपी इक्वल टू, जस्ट वन मिनट, आई कैन राइट दिस ओपी इक्वल टू ओसी प्लस सीपी, बिकॉज ओपी जो है दो लेंथ से बना है, लाइक ओपी इज ओसी प्लस सीपी, मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूं। और ये जो बीपी है इट इज लाइक R2, एपी इज लाइक R1 और ओपी इज लाइक R। ओके, तो मैं ओपी की जगह यहां पर R पुट कर रहा हूं। ओके, एंड सीपी जो है, अगर आप सीपी को ध्यान से देखें, सो सीपी इज अप्रोक्सीमेटली, सीपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीपी। ओके, सो मैं यहां पर सीपी की जगह बीपी लिख दूंगा और बीपी बेसिकली R2 है, सो ये आ जाएगा ओसी प्लस R2। ओके, यहां हम R2 के
निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं. सो अब ओसी के बारे में सोचेंगे. व्हाट इज ओसी इन दिस डायग्राम? ये वाला जो डायग्राम है, अगर मैं इसे यहाँ फिर से बनाने की कोशिश करूँ, थोड़ा इसका जूम यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, सो इट इज लाइक अवर परपेंडिकुलर. सो दिस इज अवर थीटा. सो ये ओ है, ये सी है और ये बी है. व्हाट इज दिस ओ बी? ओ बी इज बेसिकली द डिस्टेंस हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल. इट इज बेसिकली स्मॉल ए. तो हम यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से ओसी को कैलकुलेट कर लेंगे. सो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज लाइक ओसी, हाइपोटेन्यूज इज लाइक ए. सो वी गेट द वैल्यू फॉर ओसी, दैट इज ए कॉस थीटा. ओके, इस छोटे वाले डायग्राम की हेल्प से हमने ओसी का कैलकुलेशन किया और ये हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस आर टू. सो वी गेट आर टू इज इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा. आर टू के लिए हमें एक वैल्यू मिल जाती है और यही टेक्निक लगा के जो हमने पीछे प्रोड्यूस किया लाइक दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, यही टेक्निक लगा के हम आर वन के लिए भी ऐसा ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सिमिलर एक्सप्रेशन लगा के. तो सिमिलरली करने पे हमारे पास आर वन आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा. अगर आप इसे ध्यान से करेंगे सो इट इज आर प्लस ए कॉस थीटा एंड आर टू इज आर माइनस ए कॉस थीटा. जैसे यहां पर प्रोसेस फॉलो किया है वैसे वहां पर भी आप प्रोसेस फॉलो करेंगे. इट इज लाइक, अगर आपको समझना है तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा. इट इज लाइक, व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक डीपी. सो दिस इज माय डीपी एंड आई कैन राइट डीपी. ये डीपी के दो टुकड़े कर दीजिए, मतलब डीपी दो लेंथ से बनाए लाइक डीओ और ओपी, डीओ और डीओ प्लस ओपी. ओके, एंड दिस डीपी इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एपी. दिस डीपी इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एपी. तो मैं dp की जगह r1 लिख दूंगा और op क्या है? o से p तक का डिस्टेंस तो r है, तो यहां आ जाएगा r. और ये जो do है d से लेकर के o तक का डिस्टेंस, अगेन आप इसका यूज करेंगे, ये वाली वैल्यू भी स्मॉल a होगी, इसका यूज करेंगे तो ये आ जाएगा a cos थीटा. तो इस तरह से आपके पास r1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा a cos थीटा प्लस r या r प्लस a cos थीटा. सो वी हैव टू वैल्यूज हियर फॉर r, मींस फॉर द वैल्यू फॉर r2 एज वेल एज फॉर द r1. और इसे जाके हम इक्वेशन नंबर थ्री में अब पुट कर देंगे. ओके, तो मैं ऊपर वाले पार्ट को यहां से मिटा रहा हूं, आपने समझने की कोशिश करनी है. जस्ट वन मिनट. सो नेट पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में हम जाएंगे. ये हमारा एक्सप्रेशन था नेट पोटेंशियल का, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर टू. व्हाट इज आर टू? आर टू इज आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस, व्हाट इज आर वन? आर वन इज लाइक आर प्लस ए कॉस थीटा. ओके, अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स और करेंगे एंड एट लास्ट वी विल रीच द आंसर. हम लास्ट में आंसर तक पहुंच जाएंगे विद टू स्पेशल केसेस. तो इट इज लाइक ए माइनस बी ए प्लस बी. तो इसका एलसीएम आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. इट इज लाइक ए माइनस बी और ए प्लस बी, इट इज लाइक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका एलसीएम आ जाएगा. और यहाँ ऊपर जाएगा, इसके पास जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा और इस तरफ जाएगा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा. ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे तो हमें मिलेगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर से आर यहाँ पर कट जाएगा. ओके, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज टू ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल. दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल. ओके, एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल. आफ्टर डूइंग दिस अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स वी गेट द आंसर. दैट इज वी नेट इज बेसिकली क्यू 4 upon 5, 4 pi epsilon naught, 2a cos theta r square minus a square cos square theta. लेकिन q into 2a जो है basically होता है dipole के moment के बराबर, dipole moment के बराबर, electric dipole के moment के बराबर, जिसे p से denote किया जाता है. तो हमारे पास expression है p cos theta upon 4 pi epsilon naught, ये और simplified हो गया, r square minus a square cos square theta. This is also the expression for net
पोटेंशियल, थोड़ा और हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्पेशल केस हम इसके ऊपर अब लगाने वाले हैं, दिस इज बेसिकली द लास्ट आंसर फॉर द नेट पोटेंशियल, बट इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे करना है आप देखेंगे ध्यान से। अगर डाइपोल एक शॉर्ट डाइपोल है, डाइपोल एक छोटा डाइपोल है, मीन्स जो ए है, जो 2a होता है बेसिकली लेंथ ऑफ डाइपोल होता है, अगर डाइपोल बहुत शॉर्ट है तो a और भी शॉर्ट होगा, सो वी कैन इग्नोर दिस एक्सप्रेशन। सो स्पेशल केस इज लाइक इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ डाइपोल इज शॉर्ट देन उस केस में वी इग्नोर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा फ्रॉम द एक्सप्रेशन, तो हमारा नेट पोटेंशियल बन जाएगा p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r square. So this is the expression for a net potential at point P due to a short electric dipole. इसके बाद एक और special case यहाँ पर हम बनाएंगे, दो special case बनाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो point P है वो यहाँ कहीं lie कर रहा था, किसी भी random point पे हमने लिया था point P को और वहाँ potential find out कर दिया। So it is just depending on the angle. कि सेंटर से वो पॉइंट का कितना एंगल बन रहा था, ये वाला एंगल था हमारा थीटा एंगल, ओके, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा एंगल था। तो अभी देखना है कि हमारा एक्सप्रेशन किस तरह से यहाँ पर चल रहा है, जस्ट वन मिनट। सो नाउ इट इज लाइक, अगर स्पेशल केस नंबर वन इज लाइक दैट, इफ दैट पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल, अगर ये पॉइंट पी डाइपोल की एक्सिस पे लाई करता है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 degree। डाइपोल की एक्सिस पे लाई करने का मतलब अभी माइनस क्यू टू क्यू यहाँ पी है, अभी ये ऐसा है माइनस क्यू से क्यू, ये कहीं यहाँ लाई कर रहा है, डाइपोल की एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो उसके इसमें थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 इज 1, ओके, सो वी हैव द एक्सप्रेशन लाइक पी कॉस थीटा या कॉस 0 इज लाइक 1, सो पी अपॉन 4 pi epsilon naught r square means we have some expression like this type of expression, we have p upon 4 pi epsilon naught r square is like the distance, so ye badlav thoda sa expression mein aayega, cos 0 is like 1, to 1 cos likhne ki zarurat nahi hai. Second point aata hai ki agar point equatorial point pe hai, equatorial axis pe hai, to kya hoga. Ab equatorial pe hone ka matlab ki like ye hamara dipole hai minus q se q, ये वाला जो पॉइंट है, ओके, दैट इज लाइंग ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दिस डाइपोल, यहाँ इस पॉइंट पे अगर ये लाई करता है, ये ऐसे, ठीक है, तो उस केस में ये थीटा कितना होगा, उस केस में ये थीटा होगा 90 degree का, ठीक है, यहाँ से लेंगे सेंटर से 90 degree का हो जाएगा, पहले ऐसे थीटा था, फिर इस पे चले गए तो 0 degree हो गया, 0 degree पे ये एक्सप्रेशन आ रहा था, जब ये 90 degree का होगा, मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई करेगा, तो उस केस में थीटा इज 90 degree, कॉस 90 इज 0, सो इट मींस नेट पोटेंशियल कम्स 0. इसका मतलब क्या है कि इक्वेटोरियल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है एंड आपसे फिर डाइपोल की वजह से वहां पर पोटेंशियल पूछा जाता है, सो इट कम्स आउट टू बी 0. कारण क्या है कि इसका जो पोटेंशियल है माइनस क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught अपॉन डिस्टेंस, एंड फिर इसका जो होगा प्लस q अपॉन 4 pi epsilon naught अपॉन डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब इसकी वजह से होने वाला पोटेंशियल यहाँ और इसकी वजह से होने वाला पोटेंशियल यहाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो नेट पोटेंशियल कम्स आउट टू बी द 0. ओके, नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई करने की कंडीशन पे ये माइनस क्यू से और क्यू से इनका सेम डिस्टेंस है, ओके, और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है डाइपोल में, 4 pi epsilon naught इज ऑल्सो सेम देयर, सो फॉर दैट दिस पोटेंशियल बिकम्स 0. सो आई होप आपको जो डेरिवेशन है पोटेंशियल का वो समझ आया होगा, एंड वी हैव टू स्पेशल केसेस ऑल्सो हेयर, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, पी कॉस इट अपॉन 4 pi epsilon naught r square, सो इट इज वेरिंग लाइक विद द डिस्टेंस इनवर्स डिपेंडेंस ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पोटेंशियल, इन दिस केस, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल जनरली जो पोटेंशियल होता है इट इज लाइक 1/4 pi epsilon naught q/r, वेर इज विद द इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस, एंड हियर इट इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बट इज स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस, ओके, सो इस तरह से हमने नेट पोटेंशियल और इक्वेटोरियल के लिए भी और इसके लिए भी फाइंड आउट कर दिया, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, इट कम्स आउट टू बी 0 फॉर द इक्वेटोरियल केस. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.